नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के गाजीपुर की, जहां पर झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। जैसे ही दोनों की मौत की खबर परिजनों को लगी तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उठा के हम पीरियड पर रख रहे, अब उस पीरियड में देख रही खूनवा देख रही, बस तुरंत हमारे उल्टी होकर हम भागे रही अपने घर यहाँ से जाए ना घर, तो हम करिए डॉक्टर कहाँ जाती तो कहते नहीं माई हम जाती बनारस मरीज के लेके, तो उनसे पूछ रही ना किया से तो कहती नहीं खत्म हो गई। यानी कि तो जब ऑपरेशन करते ही समय वो औरत मर चुकी नहीं, नहीं झूठ बता भैया जियत हम ना पूछ रही हूँ तो ना कहती मतलब जब लड़की लदला लोगों गाड़ी में लोडिंग कहीं नहीं लोगों तो उसमें वो औरत मर चुका लगे मर चुका लगे, यानी कि ऑपरेशन करते वो औरत मर चुका लगे ना। ऑपरेशन करे में नाम क्या ऐसा ना उठावे एक मिनट ना उठावे में ना ऑपरेशन उठावे में ना कोई मरेला ना, यानी कि औरत मर चुका लगे एक रे वजह से लोग वहाँ से भगावल चना लो ना एम्बुलेंस बुला के धोरा संगे मऊ रे झूठ ना कब आके देखा तो सुता तो हम पूछ रही क्या भाई आगे ना बताओ ना कहने ना सीरियस में तो गए सुसाई कहने हम जाती बनारस ने कहता हम कहे डॉक्टर सही बता ये बतावा डॉक्टर तो से बोलना है कि नहीं औरत तो मर चुका है नहीं डॉक्टर हमसे ना कहने भैया हम अपन बेटी बेटा के ना ये खाली कहने सीरियस में रजेश कहने सीरियस में जाता बनारस तो फिर एक थोड़ी मैडम हम करिए बात सही बतावा का बात बतू औरत मर गई। अच्छा इतने हमके जानकारी है बात चलो ठीक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की बात करते हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25 जुलाई 2018 को मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अगर पुलिस की माने तो अभी इस मामले में 4 आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस की ओर से की जा रही है। जबलपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। नए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से करना और जो भी आपराधिक चुनौतियां आएगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शहर में बढ़ते अपराधों की समीक्षा कर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता जो आगे आगामी चुनाव है लोकसभा के वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हों, वो पहली प्राथमिकता है। और इस दौरान जो भी कोई आपराधिक चुनौतियां आएंगी उनका हम सामना करेंगे और जो भी केसेस आते हैं उनका हम लोग डिटेक्शन करें और कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति बने, यही प्रयास रहेगा। जिन अपराधों में वृद्धि हो रही है उनकी मैं निश्चित ही समीक्षा करूँगा और जो भी उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए उसको हम और तेज करेंगे। संपूर्ण शहर के वासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से और सबके साथ मिलके अच्छे से होली का त्यौहार मनाएं, यही मैं सबसे अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।